Good morning student, welcome in online classes of SBPS Standard 6 Subject SST Unit 3 Civics Chapter 1 Diversity. Yesterday I was teaching you Regional and Cultural Diversity. Today my topic is India, a protector of all religions. India मतलब भारत a protector of all religions, सभी धर्मों का रक्षक, अर्थात भारत सभी धर्मों की रक्षा करता है. देखिए in the 8th century AD, 8वीं शताब्दी में many Persians migrated to India and brought with them the ancient religion of Zoroastrianism. 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, बहुत से पारसी जो लोग थे वो भारत में आकर बस गए and brought with them अपने साथ लेके ancient religion of Zoroastrianism, अपने साथ अपना धर्म भी मतलब अपने धर्म को मानते भी थे वो, उसी के साथ आए. लीजेंड हैज एट दैट दियर लीडर, जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं दियर लीडर रिक्वेस्टेड द हिंदू रूलर कि उनके जो नेता था उनका, उन्होंने हिंदू शासक जाधव राणा से और परमिशन टू सेटल इन दिस ग्रेट लैंड. जाधव राणा से परमिशन मांगी थी, अनुमति मांगी थी अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की. प्रोमाइजिंग दैट, यह वादा किया था कि दैट पारसी वुड बी लाइक शुगर डिजॉल्व इन द बाउल ऑफ वाटर, पारसी इस तरीके से रहेंगे जैसे कि पानी भरे कटोरे में चीनी रहती है. इंडिया भी लाइक द बाउल ऑफ वाटर एंड द पारसी लाइक शुगर, भारतीय है वो पानी तरीके से रहेंगे, जो पारसी लोग हैं वो चीनी तरीके से. डिजॉल्विंग अनऑस्टिवली एंड हेट्स अफिक्सिंग द नेशन विद दियर स्वीटनेस एंड स्पिरिट, और वो अपनी पूरी आत्मा के साथ देश धर्म की रक्षा करेंगे और सभी से मतलब अच्छे ढंग से व्यवहार करेंगे. नीडलेस टू से दे वर अलाउड टू स्टे, उनको अनुमति दी गई थी दो केरला एंड लद्दाख आर ज्योग्राफिकली डिफरेंट एड द टू कल्चर्स हैव सम कॉमन ट्रेड्स बोथ ऑफ रीजंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. इसमें आपका दिया है केस स्टडी में लद्दाख एंड केरला. लद्दाख फेमस फॉर इट्स शाइनिंग ब्यूटी, लद्दाख जो है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, है जम्मू और कश्मीर में स्थित है. इट इज बाउंड बाय द काराकोरम रेंज, यह काराकोरम की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है. इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालय, इन द साउथ और दक्षिण में हिमालय से द एस्कर नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन जुडिशियली यूज्ड बाय द पीपल, जो भी प्राकृतिक संसाधन है लोगों द्वारा यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं. स्केर्सली एनी वेजिटेशन इज सीन अवेलेबल इन दिस माउंटेन, यहाँ पर आपको हर प्रकार की वनस्पति प्राप्त होगी. व्हाटएवर वाटर इज अवेलेबल इन द एरिया कम्स फ्रॉम द स्नो मेल्टिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स, जो भी यहाँ पर आपको पानी भी मिलता है, पानी आपको कैसे मिलता है, जो भी बर्फ है वो पिघल कर आती है, बर्फ पिघल कर नीचे आती है ड्यूरिंग द समर मंथ गर्मी के सीजन में. एज द क्रॉप्स ग्रो फसलें उगाई जाती है, द ब्रेदर स्प्रे नॉट फॉर रेन, गांव वाले प्रार्थना करते हैं बारिश ना हो, बट फॉर द सन टू मेल्ट द ग्लेशियर एंड हाइड्रेट क्लियर वाटर, और लेकिन हमें धूप निकलने की प्रार्थना करते रहते हैं जिससे कि बर्फ पिघल सके.